स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान करने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दी शोक सलामी। पुलिस कर्मियों को दिया दिवाली गिफ्ट की बड़ी घोषणा। ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे पुलिस कर्मी। 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी कर सकेंगे पास। गोरखपुर के रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डीआईजी व एसएसपी ने शहीदों को किया नमन। कहा, जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को किया गया नमन। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। सभी थानों को अतिरिक्त फोर्स कर दिया गया है आवंटित। अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर करेंगे कठोर कार्यवाही। वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी द्वारा परंपरागत दीपावली मनाने और जनसभा स्थल का जिलाधिकारी और एसएसपी ने वनटांगिया ग्राम तिनकोनिया नंबर 1 का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद में सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 31 अक्टूबर तक कार्यालय से ले ले मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मतदाता सूची में 1 नवंबर तक बढ़ाया व घटाया जा सकता है नाम। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सभी सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। महर्षि कश्यप पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन मिश्रा ने कहा, बच्चों के उपचार की विधा महर्षि कश्यप की है देन। गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक स्वास्थ्य रक्षण का मार्गदर्शन करते हैं कश्यप संहिता। धनतेरस, दीपावली के त्योहार पर शहर में जाम की समस्या के निजात के लिए एसपी ट्रैफिक ने अपनी टीम के साथ किया पैदल गश्त। खरीदारी करने आने वालों से की अपील, कहा सड़क के किनारे खड़ा ना करें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन। और जनपद में तेजी से कम हो रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी अधिकारी आपदा ने कहा कि दीपावली तक जनपद से बाढ़ का पानी घटने की है संभावना।